नमस्कार, आप सभी का आज की अभिभावक शिक्षक बैठक में हार्दिक स्वागत है। और अपना जो बैठक का कार्यक्रम है वो मासिक होता है, एक तो एसएमसी की बैठक होती है, दूसरा अभिभावक शिक्षक बैठक होती है और एक बैठक और हो रही है, लगातार हो रही है महीने में, माता उन्मुखीकरण कार्यशाला आप लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसमें उन माताओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है जिनके बच्चे शत प्रतिशत उपस्थित रहते हैं विद्यालय में और जिनके बच्चे घर पे अपना पूरा होमवर्क करते हैं, पढ़ाई में काफी अच्छे चल रहे हैं, ऐसी माताओं को माता उन्मुखीकरण कार्यशाला में सम्मानित किया जाता है। तो तीन बैठक या तीन कार्यशालाएं प्रत्येक माह अपने विद्यालय में आयोजित की जाती है। आज की जो बैठक है वो अभिभावक शिक्षक बैठक है, ये लिखा हुआ है अभिभावक शिक्षक बैठक। माह नवंबर पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है कि हर महीने होती है। समय आपका भी बहुत उपयोगी है, समय हमारा भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जिस दौरान हम बैठक आपकी कर रहे हैं, आइए उस दौरान हमारे बच्चे जो है वो क्लासों में बैठे हुए हैं, वो आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं, कोर्ट भी मार सकते हैं, तो हमारा ध्यान आधा अधूरा है। अपनी बैठक का हम श्री गणेश करें, आरंभ करें, उससे पहले हम निवेदन करेंगे माँ सरस्वती को याद करने के लिए। अपनी अपनी जगह पर सभी लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना होगी। जानकारी हो
लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले हर बच्चे को हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, वो भी फ्लो में, मतलब तेज प्रवाह में। 1 मिनट में कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे को 1 मिनट में 60 शब्द पढ़ने पढ़ ले, तब वो निपुण है। अगर वो 59 शब्द पढ़ता है तो निपुण नहीं है। ऐसे ही कक्षा 2 में 45 शब्द प्रति मिनट, 1 मिनट में 45 शब्द पढ़ ले, जैसे कोई कहानी है उसके 45 शब्द पढ़ ले। और आपके बोलने से नहीं, एक ऐसा ऐप है निपुण लक्ष्य ऐप, उसमें बच्चा पढ़ता है तो उसमें कैलकुलेट हो जाता है, वो रीड कर लेता है कि 1 मिनट में इसने कितने शब्द पढ़े, फिर उसमें लिख के आ जाता है वाह तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश आप निपुण हो। ऐसे ही पढ़ते रहो। अगर बच्चे ने 1 मिनट में 45 शब्द से ज़्यादा पढ़ लिया, ये कक्षा 2 का है। कक्षा 1 में जो निपुण लक्ष्य है उसमें बाकी लिखे हुए हैं, बच्चे को उसमें टाइम नहीं दिया, कक्षा 1 वाले बच्चों को टाइम नहीं दिया, क्योंकि कक्षा 1 वाला बच्चा जब हमारे पास आता है तो स्कूल में बैठना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर वर्णमाला सीखता है, फिर मात्रा सीखता है, तो पढ़ना सीखता है, तो उनके लिए समय नहीं है। तो जो हमने साल भर मेहनत की है, या आपने जो मेहनत की है, या आपके बच्चे ने जो मेहनत की है, उस सबका आकलन किया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा। बात सटीक आ रही है, वो यहाँ आएगी अपने मोबाइल पे बच्चों को पढ़ाएगी और आकलन होगा कि बच्चा निपुण है या नहीं है। आप खुशी के लिए बता दें कि अगर बच्चा निपुण नहीं हुए तो हमारा वेतन रोक दिया जाएगा। लेकिन ये तो आप भी जानते हो कि ये नियम आज आया है और हमें आए हुए 4 साल हो गई हैं, तब तो कुछ नहीं था, हम तब भी इसी फ्लो में और इसी लगन से पढ़ा रहे थे। तो हम ये बात इसलिए बताए हैं आपको कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये अपने दिमाग से हटा दो कि पढ़ाई तो अब करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, तो भी बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चे को हर हालत में स्कूल भेजो आप। और देखो आकलन भी हम करके नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा निपुण हो गया, आकलन भी मशीन कर रही है, और मशीन की भी बात छोड़ो, अब बाहर से पार्टी आ रही है वो करेगी, तो आपको लगता है ना प्राइवेट वालों की तो बात लगा दी है सरकारी स्कूलों में, आप ये मान के चलो। जिसको नहीं लगता है, अभी यहाँ पर 2-4 लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि उनका बच्चा यहाँ से जाके भी पटाक से रखता हुआ और लिखना शुरू कर देता हुआ या पढ़ना शुरू कर देता है, ऐसे है कि नहीं है? बताए ऐसे कितने कितनी माताएं यहाँ बैठी हैं जिनके बच्चे सुबह शाम बस पढ़ते रहते हैं। हाथ ऊपर करके बताओ, तो हाथ ऊपर करके बताओ, आते हैं। आप जाना चाहते हो? जाओ।
विद्यालय जो होता है ना, ये भी मंदिर में, मंदिर की तरह होता है, और मंदिर में सभी लोग जाते हैं, बैठते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो 116 बच्चों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी शत प्रतिशत उपस्थिति है, यानी रोज आते हैं, रोज आते हैं। भले वो पढ़ने में कमजोर है, लेकिन स्कूल रोज आते हैं। अगर वो पढ़ने में कमजोर है तो वो किसी और क्षेत्र में होशियार है, लेकिन होशियार सब है, कमजोर कोई नहीं। देखो यहाँ पर ये बैठी हुई है, आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता, और आपके हस्बैंड का क्या नाम? Yeah।
ये बुक इतने बच्चों को दे रहे हैं, जो बच्चा 31 मार्च को ये बुक तैयार कर लेगा, सबसे ज्यादा याद कर लेगा इस बुक में से, उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा 31 मार्च को। समझ आया? 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो ताली बजा उसके।
स्वाति के पास बंद है।